माता दी, आप सभी को मेरी ओर से कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 10 बजे से। और अभी मैं हूँ अपने गौशाला में। तो यहाँ पर मैं आई थी गोबर उठाने। गोबर का जो तसला है ना वो हमने भर करके रख लिया है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर में आया है बहुत ही छोटू सा नन्ना मुन्ना सा मेहमान। तो आप लोग मुझे बताना कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताना। ये देखिए, ये एक दिन का है, बेबी है कि तू गर्ल है कि बॉय है, पूछ ले। छब छे पूछ ले। क्या है तू, है ना क्यूट सा। इसकी प्यारी प्यारी आंखें देखिए, सफ़ेद सफ़ेद अंग्रेज की तरह। ये बहुत ही क्यूट है, है ना। तो फ्रेंड्स, उठा लेते हैं अभी गोबर का तसला और चलते हैं खेतों में इसको फेंकने के लिए। और फ्रेंड्स, आज शनिवार है और बच्चे लोग ना स्कूल के लिए जा चुके हैं। और मैं जा रही हूँ खेत के लिए, और इसको भी मैं खेत में ही ले जाऊँगी अपने साथ में, क्योंकि कुत्ता या बिल्ली का डर रहता है ना कि इसकी आंखें ना नोच ले। और हमारा जो क्यूट सा नन्ना मुन्ना सा मेहमान है वो कहीं अंधा बहरा ना हो जाए, है ना सच में। हाँ, ये धूप में सो जाएगा चुपचाप, अभी इसकी ना खड़ा नहीं हो जाता ढंग से। मैं आपको ना बाद में, पहले मैं आपको प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू दिखाऊंगी। ये देखिए, ये मेरे घर का जो पिछला हिस्सा है, यानी कि घर होता है, घर का जो पिछला हिस्सा होता है वो हमारे घर के पिछले हिस्से का ये नज़ारा है। ये देखिए, बहुत ही ख़तरनाक जंगल है ये देखिए। और इसमें ना बाघ और तेंदुए जैसे ख़तरनाक जानवर रहते हैं ना, कि शाम के टाइम थोड़ा सा भी अंधेरा हो बाहर निकले तो किसी पर भी अटैक हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों पर। यहाँ पे जो है ना वो सर्दी होना स्टार्ट हो गई है, और बहुत ज़्यादा ठंडी वाला जो इलाका है ये इलाका है, ये देखिए इस टाइम जो है वो कोहरे की धुंध पड़ना जो है स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स, आजकल सुबह से शाम पता नहीं कब हो जाती है, कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक तरफ बैठे हैं श्राद्ध, पितरों को रोटी देना हमारा सबसे पहला धर्म है। पितृ और परमात्मा दोनों एक बराबर है, दोनों का सम्मान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे हिंदू समाज में। और सारे काम बाद में। फिर दूसरी ओर फसल पकी हुई है, लोगों ने तो घास भी काट दिया जो स्टोर करने वाला घास होता है वो, और हमने ना तो अभी फसल इकट्ठी की है ना हमने घास काटी है। और खेतों में बहुत सारे काम लगे हुए, क्योंकि एक तो हमें इकट्ठी फसल करनी है मक्की की, और दूसरा जो टाइम है ना वो हो रहा है मक्की काटने के बाद में गेहूँ की बिजाई का। तो अब जो खेतों में कबाड़ पड़ा है ना पूरी बरसात का, वो हमें साफ़ करना पड़ेगा। पूरा दिन ना खेतों में रहना पड़ता है, पता नहीं लगता सुबह से शाम कब कैसे हो जाती है। और हाँ, वीडियो बनाना ज़रूरी था, आज मैं नहीं डाल रही थी, अपलोड करके रखती, बहुत दिनों की पेंटिंग हो जाती है फिर नहीं होती है। आज मैं एक मैडम है उनका, मैं आज नाम लेकर के उनके लिए कहूँगी। पेंदी कहीं गिर गई है यार, बड़ा अजीब जैसा लगता है, जैसे कोई हमारी इमेज नहीं है बिंदी बिना, मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मैं बिंदी लगा लेती हूँ पहले। टाइम हो गया है फ्रेंड्स, और 5:30 बज गए हैं। 5:30 बजे आजकल इतना अंधेरा हो जाता है ना कि मतलब बाहर ना मुझे डर लगता है सच्ची में। मैं जंगल साइड जो हमारे खेत है ना वहाँ मैं जाती नहीं हूँ। तो मैं आपसे ना एक बात कहूँगी, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, और मेरी एक बहन है बहुत ही प्यारी सी बहन है, आज नाम लेकर के उनकी मैं अनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में बोलना मुझे पहले तो शोभा नहीं देता, सच्ची बात है, मैं इग्नोर करती हूँ, पर कई बार ना वो लोग मजबूर कर देते हैं। तो ऐश्वर्या शर्मा जी है, और शर्मा जी को तो मेरी ओर से पहले नमस्ते, प्यार भरी नमस्ते। शर्मा जी को क्यों मिर्ची लगी मेरे ब्लॉग से, मैं उनको पूछना चाहती हूँ। मैंने उनके बारे में तो कुछ नहीं बोला,
वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी कमेंट करके कि जैसे मैंने उनको बोला हो कुछ। तो ऐश्वर्या जी, मैं आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रही हूँ, आपके साथ जी करके बात कर रही हूँ। वैसे मैंने देखा है, जब जब भी मैंने कुछ अपनी वीडियो में बोला है, किसी के लिए बोला है, तो आपका कमेंट ज़रूर आता है। जब कोई अच्छी वीडियो बनाती हूँ ना, तो आपका कमेंट नहीं आता। जब कोई मैं किसी के बारे में बोलूँ या कुछ बोलूँ, अपने बारे में बोलूँ, तो आपका कमेंट क्यों आता है? आपको क्या बात है जो आपको हजम नहीं होती है, मुझे बताओ। मुझे तो लगता है ऐश्वर्या जी, आप फेक आईडी बना करके कमेंट करती हैं और आपको सब कुछ पता है। राइट बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? फिर से कमेंट करना, बुरा कमेंट करोगे, मुझे आदत है सुनने की। मुझे बुरा नहीं लगता, अब मुझे बुरा नहीं लगता, सच में बुरा नहीं लगता। ठीक है, आप बोलो। और अब जब आप दूसरी बार कमेंट करोगे ना, इस तरह का कमेंट करोगे, तो मैं आपको पिन करके रखूँगी, बहुत प्यार से सजा करके रखूँगी वहाँ पर। और फिर मैं आपको जवाब नहीं दूँगी, मेरी ऑडियंस आपको जवाब देगी। ठीक है, तो देख लेना, आप समझ जाना। अगर आप नज़दीक होती तो आपको जूते पड़ते, आपको छितर पड़ते, आपको चप्पल पड़ती, पर आप खुद समझदार हो, समझ जाओगी, है ना। या फिर मैं आपको प्यार से बोल रही हूँ कि ऐश्वर्या जी, ये मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है, तो आप बीच में क्यों आ रहे हो, क्यों खुद को बीच में घसीट रहे हो? ठीक है, आपका कोई मतलब नहीं बनता इस तरह से बोलने का। और मैंने अगर बोला होगा, सच के साथ बोला होगा, मेरे पास कोई ठोस बात होगी, मैंने तभी बात की है। अदरवाइज़ मैं किसी के बारे में, मुझे कोई हक नहीं है किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने का। मुझे क्या, किसी भी इंसान को कोई हक नहीं है किसी के बारे में कुछ भी बोलने का। पर जब मुझे पता है, मैं ऐसी बातों को महसूस करती हूँ, मैंने महसूस किया है, मैं तभी बोलती हूँ। ठीक है, तो बेहतर है आप मेरे मामले में नहीं आओ। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप नहीं देखो, कोई बात नहीं है, मैं आपको नहीं बुलाती हूँ। और अगर आप आ जाते हो तो कोई बात नहीं, मेरा एक जो व्यूज़ है वो बढ़ जाता है, और आप लोगों की वजह से ही तो हमारे पास डॉलर आते हैं। सो प्लीज़ ऐश्वर्या जी, आप बीच में नहीं बोले तो बेटर है। ठीक है, आप जैसे कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास इतनी अच्छी ऑडियंस है ना, इतने अच्छे व्यूवर्स है, इतनी अच्छी मेरी यूट्यूब फैमिली है, मुझे दिल से एक्सेप्ट करती है, मुझे अपना परिवार मानती है। यहाँ तक कि मैं एक दिन ब्लॉग नहीं डालूँ ना, तो मैं कभी आपको ना अपना इंस्टाग्राम, अपनी फेसबुक आईडी, अपना व्हाट्सएप पूरा स्क्रीन शॉट लगाऊँगी। ठीक है, मुझे पूछते हैं कि ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ, मैं उन लोगों की वजह से यूट्यूब पर हूँ, मैं आप जैसी गंदगी की वजह से यूट्यूब पर नहीं हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग है ना, वो यहीं तक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं बिज़ी हूँ, सच में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ आजकल, और आप मेरी मजबूरी को समझ सकते हो, मेरी परेशानी को समझ सकते हो। हाँ, आई दबाओ बोरी ले लूँ, है ना, क्योंकि सच में यार थक जाती हूँ आजकल, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अरे ऐश्वर्या जी ने मुझे ऐसा कमेंट कर दिया ना, मैं तो हिल गई। वाह रे, नहीं रे बाबा, ऐश्वर्या जी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप इस तरह से कमेंट करोगे तो मेरा शक जो है वो यकीन में बदल जाएगा, और मुझे देर नहीं लगती है किसी को, किसी के चेहरे से नकाब उठाने के लिए मुझे बिल्कुल देर नहीं लगती, ये आप जानते हो, खुद बखुद जानते हो, क्योंकि मैं जो है ना वो सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ। तो फिर भी तुम्हें अगर मेरी कोई बात बुरी लगी होगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ तुमसे, हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।